एक राइस नूडल्स बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अंडे को फोड़ लिए हैं। एक्चुअली उसके पहले हम लोग तेल गरम किए हैं अच्छी तरह से, और अंडे को फोड़ कर डाले हैं गरम तेल में, और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। एक जो है वो पक चुकी है, उसके बाद में इसमें ही पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज डाले हैं। उसके बाद में इसमें ही राइस डाले हैं। प्याज को जो हम लोग वेजिटेबल डाले हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कम से कम एक मिनट पकाना है। उसके बाद में राइस डाले हैं। राइस डालने के बाद में इसमें ही नूडल्स डाले हैं, मतलब कि आप अपने हिसाब से नूडल्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास में नूडल्स नहीं है तो सिर्फ ये राइस के भी बना सकते हैं। ये नूडल्स डाले हैं और नूडल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। बाद में इसमें ही रेड चिली पाउडर, इसमें ही अजीनोमोटो, इसमें ही वाइट पेपर पाउडर और सॉल्ट डाले, और इसमें ही टोमेटो केचप डालना है, रेड चिली सॉस डालना है, इसमें ही सोया सॉस डालना है। सोया सॉस कम से कम 1 से 2 टेबलस्पून के करीब डालें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से मिक्स कर लें। कितना सिंपल है ना बनाना, मतलब कि मैं सिर्फ 5 मिनट खड़ी रही और ये जो रेसिपी हमारी तैयार हो गई है, मतलब कि इतना सिंपल है। तो इस तरह से बनाए हमारी एक राइस नूडल्स जो है वो बन गई है। गैस बंद कर दें और इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व करें खाने के लिए। इस तरह से बनाए खाएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।